आज हमारे बीच डॉक्टर रविकांत और डॉक्टर मृत्युंजय मौजूद हैं और हमारे साथ हिंदी विभाग के हमारे सदस्य डॉक्टर राजेंद्र कैड़ा भी हैं और आज हम लोग इन लोगों से कुछ बातचीत करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को यह पसंद आएगा। तो सबसे पहले आप लोगों का उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के इस वीडियो माध्यम में स्वागत है। धन्यवाद। मैं हिंदी विभाग की ओर से और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। और चूंकि यह एक अनौपचारिक सी बातचीत के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं, तो बातचीत का क्रम किसी सवालों की बाध्यता में नहीं हो करके बल्कि बातचीत की एक उन्मुक्त उड़ान की तरह होगा। और मैं कैड़ा जी से आग्रह कर रहा हूँ कि वो सर से बातचीत की शुरुआत करें। कैड़ा जी, आप दोनों का स्वागत है और ये व्यक्तिगत तौर पे मेरे लिए एक बड़ा दिन है कि मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। मैं आपका पाठक रहा हूँ और प्रशंसक कहूँगा तो आप भी, क्योंकि मेधा संपन्न लोग हैं तो शायद बहुत खुश नहीं होंगे। मैं पाठक रहा हूँ आपका और मैं चाहता हूँ कि लगातार आपके वीर बीच संवाद बना रहे। संवाद से जब मैं बात शुरू कर रहा हूँ तो आपका एक पुराना लेख है जो दीवाने सराय में छपा था, जिसको मैं बार बार कोट कर रहा हूँ। आपने उसको जब शुरुआत कर रहे थे तो हिंदी के उस अत्याधुनिक दौर से शुरुआत कर रहे थे जब हिंदी कंप्यूटर की तरफ को जा रही थी और कंप्यूटर हिंदी को धीरे धीरे अपने साथ ले रहा था। लेकिन कमाल की बात यह है कि आपने उसका जो पहला बिंब उठाया वो मध्यकाल से उठा। मैं समझो निर्धार, यह जग कांचो काज सो, एक और रूप अबार प्रतिबिंबित लखियत तहां है। तो ये कितनी समझदारी भरी आवाजाही है मध्यकाल और अत्याधुनिक युग में कि आप बिंब उठाते हैं मध्यकाल से और बात करते हैं बिल्कुल आधुनिक होती हुई हिंदी का। यानी आपकी चेतना, तुलसीदास की बहुत खूबसूरत लाइन है, आपने ध्यान दिया होगा, सजल मूल जिन सरितन नाही बरस गए पुंतभी सुखाई। उन नदियों का मूल जिनका स्रोत सजल नहीं होता, जो किसी स्रोत से नहीं बह रही, जैसे जैसे पानी सूखता, पानी बरसना बंद होता जाता तो नदी सूखती जाती। तो क्योंकि आपका स्रोत सजल रहा है, आप हिंदी की उस पूरी परंपरा से अपनी चेतना ले रहे हैं, तो इसलिए हिंदी के इतने आधुनिक स्वरूप को भी आप पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मेरा ये सोचना ठीक है? पहला ये सवाल है। और दूसरा सवाल ये है, इसी से लगा हुआ सवाल ये है कि वो कौन सी ताकतें थी, वो कौन सा दबाव था जहां आप इतिहास के व्यक्ति होकर भाषा की तरफ आए और हिंदी के इस टेक्निकल तौर पर बदलते हुए रूप को पकड़ने की कोशिश करने लगे? दोनों सवाल बड़े दिलचस्प हैं। मैं भूल नहीं पाता हूं अपनी जड़ों को और मुझे लगता है कि इसलिए भी नहीं भूल पाता हूं। और जो अपनी जड़ों जब मैं कहता हूं तो वो किसकी जड़ें हैं? एक इतिहासकार की जड़ें भी। मेरी जड़ें न सिर्फ मेरे गांव में हैं, मेरी जड़ें न सिर्फ मेरी भाषा में हैं, मेरी जड़ें न सिर्फ उस इलाके में हैं, मेरी जड़ें सिर्फ इस देश में नहीं है, बल्कि मैं पूरे विश्व का नागरिक महसूस करता हूं कि हूं, क्योंकि वो इतिहास मैंने पढ़ा है। मैंने चीन और जापान का इतिहास पढ़ाया है, मैंने आधुनिक यूरोप पढ़ाया है। यूरोप का जब आधुनिकीकरण हो रहा था, यानी पुनर्जागरण से लेकर के औद्योगिक क्रांति तक का इतिहास भी पढ़ाया है हमने, यानी वो सब इतिहास मुझे अपना ही लगता है। और टेक्नोलॉजी का इतिहास भी उसमें दिलचस्प है। फिर कई भाषाएं हैं जिसको मैं कह सकता हूँ कि मेरी अपनी हैं, जिनको मैंने खुद सीखी वो भाषाएं, इसलिए मैं मानता हूँ कि मेरी अपनी है। पहले मुझे लगता था, और इस द्वंद्व से मैं लड़ा हूँ, कि क्या कोई भाषा पराई हो सकती है किसी कोई भाषा? मुझे लगा कि जब तक वो कोई भाषा तभी तक पराई है जब तक आप उसको सीखते नहीं है, उसके अलावा कोई पराई भाषा मेरे लिए नहीं है। हालांकि मैं जानता हूँ कि पेजेंट्स इनटू फ्रेंचमैन जैसे एक बड़ी मशहूर किताब है, किसान थे जो कि फ्रांसीसी नागरिक बन जाते हैं। पूरी आधुनिकता की यात्रा, पूरे विश्व की यात्रा यही है कि आप किसी एक भाषा पर एकाग्र होते हैं, उसका आधुनिकीकरण करते हैं, उसका मानकीकरण करते हैं, उसको प्रश्रय देते हैं और बाकी भाषाओं को एक तरह से दबाते हैं। ये इतिहास ऐसा हमारा रहा है, पूरे विश्व का इतिहास ऐसा रहा। तो मैं उस भाषा से आता हूं मगही, जिसने अपने स्वत्व का त्याग कर दिया हिंदी के लिए।
लेकिन वो आत्मा मुझ में जिंदा है क्योंकि मैं अभी भी अपने गांव से जुड़ा हुआ हूँ, तो इसलिए बिहारी मुझसे बहुत दूर नहीं होते और मुझे लगता है कि कोई भी इतिहास मुझसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। दूसरी बात, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ती है या आपको दिखाई देती है, उसमें बदलाव दिखाई देता है, वैसे वैसे भूत को देखने का आपका नज़रिया बदल जाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी वो चीज़, जैसे इंटरनेट का आना, कंप्यूटर का आना, आपको ये बताता है कि पहले कैसे चीज़ें हुआ करती थी। जैसे लिपि और मशीन के बीच में क्या संबंध है, ये तभी हमें समझ में आया जब हम कंप्यूटर से खेलने लगे और ये करने लगे कि भाई इस कंप्यूटर की मातृभाषा हिंदी क्यों नहीं है, उदाहरण के तौर पर ये अंग्रेजी ही क्यों बोलता। तो हमने वो सराय में CSDS में ये भी प्रयोग किया, बहुत सारी भाषाभाषी लोगों के समुदाय जोड़े जो फ्री सॉफ्टवेयर पे काम करते थे, और हमने पहला डेस्कटॉप हिंदी का रिलीज कर दिया। उस समय माइक्रोसॉफ्ट का डेस्कटॉप नहीं आया था, लेकिन मलयालम में आ गया था, हिंदी में आ गया था और बांग्ला में आ गया था, तमिल में तो पहले से था ही। तो हम लोग अग्रणी थे एक तरह से, वो डेस्कटॉप प्रचारित नहीं हुआ क्योंकि लोग नहीं चाहते थे कि फ्री सॉफ्टवेयर का प्रचार हो बहुत ज़्यादा, लोग तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर को प्रमोट करना चाहते थे। तो ये वो संघर्ष एक तरह से तकनीकी दुनिया में चलता रहा, जो संघर्ष मैं इतिहास में देखता आ रहा था भाषाओं को लेकर के। और भाषा एक और निजी कहानी है कि जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय आया और अपनी भाषा में, मैं जब अपनी भाषा मतलब मेरी हिंदी जो थी उसमें मैंने प्रचार करना शुरू किया, कैंपेन करना शुरू किया अपने कॉलेज में, हिंदू कॉलेज में, एक स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन था उसमें। तो मैं जो हिंदी सीख कर आया था, केमिस्ट्री विभाग में गया, बोल गया, मुझे लगा कि मैं तो बोल गया और अच्छा ही बोला शायद। मैंने पूछा कि कैसा रहा, आप लोग क्या समझे, बोले कि आप बोल तो बहुत अच्छा रहे थे लेकिन हमें समझ में कुछ नहीं आया। तो वो बिल्कुल तत्सम प्रधान हिंदी थी जिससे मैं औंधे मुंह जमीन पर गिरा। दिल्ली में तत्सम प्रधान हिंदी नहीं चलती है, दिल्ली वो कड़ाही है जिसमें तरह तरह के लोग हैं, वहाँ पंजाबी का भी मिश्रण है, उर्दू भी है और तमाम तरह की जबानें हैं। जैसे जैसे वहाँ की आबादी बदल रही है तो हमें चूंकि लोगों के बीच काम करना होता था, अपनी भाषा भी बदलनी थी, हमें अनुवाद करना था, उदाहरण के तौर पर मीटिंगों में अनुवाद करना होता था, तो भाषा बदलती गई। और क्लास में जब मैं पढ़ता था तो अंग्रेजी माध्यम का था, जब पढ़ाने लगा तो मुझे फिर वापस हिंदी माध्यम का होना पड़ा क्योंकि मेरे ज़्यादातर विद्यार्थी हिंदी माध्यम में पढ़ रहे थे दिल्ली विश्वविद्यालय में, इसलिए भाषा के प्रति मैं सचेत हो गया इस पृष्ठभूमि के चलते। आपके आर्टिकल के जो आलेख हैं उसमें, उसके साथ जो आप कह रहे हैं, आप, मैं समझता हूँ कि ये सोची समझी साजिश, थोड़ा खराब वर्ड है, तो सोचा समझी योजना के तहत किया गया कि आपने पहली बार हिंदी में हैकर्स पर लिखवाया जी, आपने फ्री सॉफ्टवेयर पर लिखवाया, तो ये चीजें, हमको लगता था कि सी के ऊपर गोला घेरा बना दिया तो ये बहुत बड़ी नैतिकता है, इसको पार करना खराब है, लेकिन पहली बार हमने मीडिया सराय से पढ़ा कि हाँ नहीं, ये तो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। और हैकर्स वो हैं जो पूंजीपतियों के सेफ में हाथ डालकर हमारे लिए कुछ निकाल लें, ये उसमें है, आप, मुझे लगता है शायद यही कुछ मामला। बिल्कुल सही है, फ्री सॉफ्टवेयर को लेकर के हमारा पूरा एक सेक्शन जो था दीवाने सराय का, एक तो माध्यम और भाषा के जोड़ पे के साथ को साथ लेकर हम लोग सोच रहे थे उस किताब में। लेकिन आप पहले, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ क्योंकि आप पहले इंसान हैं जो मुझसे उस किताब के उस खंड पर सवाल पूछ रहे हैं, मुझे लगता है किसी ने पढ़ा ही नहीं। उधर चारू गुप्ता थी, फ्रांचेस्का और सीनी थी, अविनाश थे, दूसरे लोग थे, और हिंदी का अपना इतिहास, जाना पहचाना इतिहास था, फेमिलियर हिस्ट्री जिसको आप कह सकते। दूसरी तरफ हम बिल्कुल नई चीज़ें ला रहे थे, उस वो चीज़ ला रहे थे जिसके प्रति सराय प्रतिबद्ध थी कि हम फ्री सॉफ्टवेयर का दर्शन लागू करना चाहते हैं जीवन में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के इलाके में, है ना। जैसे कलम तो है मेरे पास, मैंने कलम आपको दे दी,
तो मेरे पास वो कलम रही नहीं, लेकिन कोई लेख है मेरे पास या किताब है उसका पीडीएफ है, वो मैंने आपको दे दिया, मेरे पास भी रह गई आपके पास। यानी अब आपको प्रॉपर्टी के ढंग से नहीं सोचना पड़ेगा, ठोस प्रॉपर्टी नहीं है वो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो कुछ और है। मैं दरिद्र नहीं हुआ बांटकर, ये पहला ये चीज स्ट्राइक करती है आपको। तो हमें लगा कि फ्री सॉफ्टवेयर जो रिचर्ड स्टॉलमैन थे, दूसरे लोग थे जिसके मॉडल पे विकिपीडिया चल रहा है आज, और एक्चुअली मैं कहूँगा कि इंटरनेट पर ज़्यादातर व्यापार फ्री होता है एक तरह से उसको, क्योंकि वह पर्यावरण अगर नहीं होगा, वह इकोलॉजी नहीं होगी तो प्रॉफिट भी नहीं होगा, वहीं से वो आता है। तो हम चूंकि पहली बार हम लोग कर रहे थे ये चीज़ें, कंप्यूटर आया ही था और हम उसको भारतीय भाषाएं बुलवाने की कोशिश कर रहे थे, हमें लगा कि क्यों नहीं इस अभिनव बनते हुए इतिहास से परिचित कराया जाए हिंदी के पाठकों का। लेकिन मैं कृतज्ञ हूँ वाकई कि आपको वो याद है और आपने उस पर सवाल पूछा। मैं इसका ये प्रक्षेपण इतिहास में करता हूँ, आप बताइएगा मुझे। मैं ये दरअसल क्योंकि सच में प्रश्न नहीं है, ये मैं चाहता हूँ कि आप मेरे को उत्तर दीजिए इसका जी। और दूसरा प्रक्षेपण मैं करता हूँ संगीत शास्त्र पर। देखिए, अगर इस तरह से चीजों को बंद नहीं किया होता भारतीय इतिहास ने, जातियों को इस तरह से अलगाया नहीं होता, तो शायद हम ज्यादा ताकतवर होते। जैसे जैसे लोकतंत्र आता गया और हमें संख्या बल की जरूरत होती गई, हमें फिर दूसरी जातियां जिनको हमने बाहर कर दिया था 3 में से 13 में से, उनको अंदर लाने की जद्दोजहद करते थे। हमारे सारे रेनेसा के जितने विचारक थे वो कहते रहे कि ये सब हिंदू हैं, इनको रख लीजिए। ये दरअसल वो कहीं दर्द था कि हम संख्या बल पे कम पड़ते जा रहे हैं। जो मेमोरेंडम देने थे हिंदी भाषा को लेकर, उसमें संख्या बल आपको चाहिए था, भले ही आगे सबसे ईश्वरी नारायण प्रसाद सिंह खड़े हों या हमारे मालवीय जी खड़े हों, लेकिन पीछे आपको लगातार संख्या बल चाहिए था। यही कुछ शायद शास्त्रीय संगीत के साथ हुआ, उन्होंने अपने को इतना बंद कर दिया। अगर जो काम भातखंडे ने 19वीं शताब्दी में किया वो 17वीं शताब्दी में हो जाता और सारे घराने अपने को खोल कर रखते, तो शायद ही ज्यादा लोकप्रिय विधा बनी रहती। क्या ये बात जो मैं सोचता हूँ आपको लगता है? बिल्कुल ऐसा, लेकिन वही है कि जनतांत्रिकरण का भी एक वक्त होता है। हाँ, वो उसका उसको हम वक्त से पहले, जैसे सामंती युग में शायद वो असंभव था। जाहिर है कि संगीत उस समय भी एक स्तर पे जनतांत्रिक था, लोग अलग लेवल पे बजा रहे थे, गा रहे थे। मृत्युंजय इस पर ज्यादा प्रकाश डाल सकते हैं। मैं वापस आऊंगा फिर भाषा पे, तब बात करूंगा। बस जो आप सूत्र दे रहे थे ना, यंत्रों का आना, मैकेनाइजेशन, पेंटिंग और म्यूजिक, संगीत और चित्रकला दोनों में ये चीज अलग तरीके से आती है। जैसे प्रिंट के आने से दुनिया बदलती है, छापे खाने के आने से दुनिया बदलती है, उसी तरह से लिथोग्राफ, चित्रों का छपना जब शुरू होता है, और राजा रवि वर्मा बहुत सारे तस्वीरें बनाते हैं जो नीचे तक बिकती है, लोगों के घरों तक पहुंच जाती है और लोगों को दिखने लगता है कि ये भगवान है। अच्छा, ऐसे होता है। इसी तरह से जो मध्यकाल की इकोलॉजी है म्यूजिक की, वो कान से है, कोई गा रहा है, बड़ी सभाएं हैं उनमें गाया जा रहा है, फिर कोई गुनगुना रहा है, और ये प्रसारण का ये तरीका है। ग्रामोफोन के आने के बाद, मशीन आने के बाद, ये पूरी दुनिया बदल जाती है। और दिलचस्प है शास्त्रीय संगीत का इतिहास में, तो वो दौर बहुत कोशिशों का दौर है। जैसे शुरुआती बंदिशें आप देखेंगे 3 मिनट वाली हैं, सारे बड़े गायकों ने जो रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं शुरुआती दौर की, वो 3 मिनट वाली है और द्रुत, सारे द्रुत की, क्योंकि ग्रामोफोन ही उतना बड़ा था, उतना ही बड़ा था, उतना ही रिकॉर्ड होना था, और वो बहुत दूर तक चला भी। सो मैं ये कह रहा हूं कि तकनीक का आना और तकनीक के आने से एक खास तरह का लोकतांत्रिकरण ये तो हुआ संगीत के भी इलाके में, मेरी समझ ये है। हाँ, लेकिन जो कुमार गंधर्व ने जिस पर सम्मेलन पत्रिका का एक अंक निकला था लोक संगीत पर, उसमें कुमार गंधर्व का एक लेख है। कुमार साहब इस समस्या की जड़ दूसरी जगह ढूंढते हैं। वो कहते हैं कि असल में लोक से जो कटाव है ना शास्त्रीय संगीत का, ज्यादा अपने को शास्त्रबद्ध करते चले जाना, लोक में लोक के साथ आवाजाही का रिश्ता तोड़ देना, इसने उसको एक ऐसी जगह पहुंचाया जहां से उसके श्रोता कम होते चले गए। हालांकि दिलचस्प है कि रेडियो में देखिएगा, जैसे मेरी शास्त्रीय संगीत की कोई ट्रेनिंग नहीं है, सुनने की ट्रेनिंग है, बचपन में रेडियो पर सुनते हुए चले आए और फिर एक समय में पसंद आने लगा। धीरज का ही मामला है शायद, तो वो पसंद आने लगा। रेडियो ने बहुत
एक जमाने में उसको जगह दी, शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा दिया, पर्याप्त बढ़ावा दिया। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि कुमार साहब वाला जो पहलू है बातचीत का, वो ज्यादा दिलचस्प है, क्या उसकी तरफ से देखा देखने कोशिश करनी चाहिए। क्या कलाओं की आपसदारी की कमी ने या तकनीक की इस उपस्थिति ने भी कोई रुकावट या कोई ऐसी चीज पैदा की? जैसे जो कल हम लोग सुन रहे थे पंडित जसराज का वो भजन उधो जो सिखावना है, उसमें जो साहित्य की समझ कहती है कि वो व्यंजना है, वो कमेंट है, और उसको जिस तरीके से जसराज ट्रीट कर रहे हैं वो एक लेवल पे जो को स्थापित करने माने उस पर जोर है। तो क्या इस तरह की आपसदारी की कमी ने या तकनीकी के आगमन ने भी इस तरह माने शास्त्रीय जड़ता को बढ़ाने में योगदान दिया है? एक वीडियो पड़ा है नेट पे, देखना चाहिए, जोश मलिहाबादी नहीं जिगर मुरादाबादी का। जिगर साहब उस पीढ़ी के शायर हैं जो पहली बार कैमरे पे आई है, और जिगर बहुत मकबूल शायर, मतलब अपने जमाने के मतलब आधुनिकता की शुरुआत के दौर के या मध्यकाल के आखिर के समय उस बीच के बहुत बड़े शायर हैं वो। लेकिन जिगर का वो वीडियो देखिए आप, कैमरे पे कांप रही है आवाज, लरज रही है, क्योंकि बीच में एक चीज है, जिगर लोगों से बात करते थे उसके पहले, अब उनको एक मशीन से बात करनी है। ये चीज को हल करने में थोड़ा समय लगता है, वक्त लगता है। कैमरा आया और हम सब अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कैमरे के सामने सहजता से फोटो नहीं खिंचा सकते, लेकिन एक पूरी नई दुनिया है जो कैमरे का इतना सुंदर इस्तेमाल करती है। सेल्फी खींचना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है, और हमारी भी उम्र के लोग शायद सेल्फी खींचने में नानी याद आती है। तो तकनीक के साथ एक दोस्ती बनने में वक्त लगता है। उस वक्त में अच्छा, हमारे यहाँ दिलचस्प यह है कि दिलचस्प और मुश्किल बात यह है कि टेक्नोलॉजी शुरुआती दौर में बहुत लोडेड तरीके से आई, वो पॉलिटिकली बहुत लोडेड थी, वो जहां से आ रही थी, जैसे आ रही थी, जो लोग ला रहे थे, तो ये सब मिलके एक जो जंजाल तैयार हुआ उसको स्थिर होने में थोड़ा वक्त लगा। फिर दुनिया अपनी रफ्तार से बढ़ी, प्रिंट जैसे आया, आप जो कह रहे थे ये अलग बात है, जैसे राज या कोई भी कलाकार या गायक किसी गीत पर अपनी तरह से टेक ले सकता है, ये ठीक बात है, वो मैं आपसदारी की बात कर रहा था। मैं वहीं आ रहा हूं कि कोई गायक या कोई आलोचक या कोई कवि या कोई इतिहासकार किसी विषय पर अपना टेक ले सकता है, हो सकता है इतिहास से हम ये सवाल पूछते तो इसका ज्यादा अच्छा जवाब मिलता कि आखिर उस पद को उन्होंने उस तरह क्यों उठाया। लेकिन ये व्याख्या की छूट तो मुझे लगता है कि हर रचनाकार को होती है। हाँ, हमको उसकी आलोचना की भी छूट होनी चाहिए, और ये हमने धीरे धीरे विकसित किया है, अभी भी रास्ता बाकी है, लेकिन ये जो परस्पर रचनाओं के बीच कलाओं के बीच में आवाजाही परस्पर विकसित होती हुई चीज है। अच्छी बात ये है शायद इस दौर की कि इसने नेट ने इस आपसदारी को सबसे ज्यादा बढ़ाया है। जैसे हम लोग काम कर रहे हैं अभी अपने CSDS में भारतीय भाषा कार्यक्रम में एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं लोक पर, तो भोजपुरी और मगही लोक उसके केंद्र में है। इंटरमीडिया पर बात कर रहे हैं हम लोग कि लोक कैसे यहाँ आता है, बाहर ऊपर पॉपुलर में क्लासिकल में उल्टा फिर कैसे होता है, आवाजाही कितनी होती है। उसमें हम लोग को एक वीडियो मिला यूट्यूब पर, एक सज्जन हैं जो भैंस पर बैठे हुए हैं रामेश्वर और सूर का, जानते हैं उनको, सूर जैसा कोई पद गा रहे हैं। अमूमन वो सूरदास की भाषा है, जुबान है, तो परिदृश्य ये है भ्रमर गीत वाला और है वो नेट पे ट्रेवल करते हुए माध्यम में, फेसबुक पे है, फेसबुक रील्स में है। तो ये जो आवाजाही है अभी क्या है, ये कला माध्यमों की सर्वश्रेष्ठ आवाजाही का उदाहरण हो सकता है कि जिसके पास जुबान नहीं थी उसको जुबान मिली, जिसके पास पहुंच नहीं थी उसको पहुंच मिली, और उल्टा भी हुआ। तो मुझे लगता है शायद ऐसे देखना चाहिए। हम वापस आपकी तरफ आते हैं, आपने उधर एक बात कही थी, वो बात बहुत पहले हिंदी के एक और बड़े आलोचक ने कही थी, उसको बहुत नेगेटिवली आज तक भी लिया जाता है,
कि जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हैं, आदिकाल, मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, वहाँ हमारे पास ब्रज होती है, मैथिली होती है, अवधी होती है, अपभ्रंश होती है, लेकिन जैसे ही 1850 के बाद हम आते हैं, हम सबको किनारे करते जाते हैं। बिल्कुल। और वाकई जो बात शिवदान सिंह चौहान ने कही कि हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, वही बात सामने आती है। वो सवाल बहुत कठिन सवाल था, लोगों को बहुत चिढ़ाया उस सवाल ने, आज तक भी चिढ़ाता है, और मैं अक्सर पूछता हूँ क्योंकि वो चिढ़ाने वाला सवाल है, तो मेरे को बड़ा मजा आता। तो आपसे मैं यही पूछना चाहता था, आपकी मगही के साथ यही हुआ, आप इंटरव्यू में कहते हैं इधर मिथिलेश कुमार झा की वो किताब आई है मैथिली को लेकर, वो पब्लिक स्फीयर, और उसमें भी वो यही बात कहते हैं। एक वो धनंजय नाम है, नहीं वो मजीद, जावेद मजीद की किताब ग्रियसन पर जो उनका काम, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, तो उसमें भी वो यही बात कहते हैं। अच्छा मिथिलेश वही बात कहते हैं जो आप कहते हैं, जो प्रिंट बस को मिस करने वाली बात कहते हैं। तो इसके पीछे राजनीति तो है ही है, निश्चित तौर पर है। अच्छा एक सवाल और वहां आपने छोड़ दिया, जो मैंने आपकी तरफ को इशारा किया था, गालिब को लेने वाला सवाल कि वो स्क्रिप्ट क्योंकि दूसरी, तो उससे आप समझिए कि कितना नुकसान है। आप दोनों से ये सवाल है कि केवल स्क्रिप्ट के मामले में आपने कहा कि पता ही नहीं चलता वो उर्दू का शेर है या हिंदी का शेर होगा, किसी दीवार के साए के तले मीर क्या काम, मोहब्बत से उस आराम तलब को, कौन कहेगा कि ये हिंदी का शेर नहीं है। और इससे कठिन हिंदी मध्यकाल के हिंदी कवियों के पास है, भूषण को आप डिकोड नहीं कर पाएगा आम आदमी, लेकिन 12 के बच्चे को अगर मैं पढ़ दूंगा मीर उसके सामने तो वो उसको डिकोड कर लेगा, लेकिन फिर भी वो सिलेबस से बाहर है और ये सिलेबस से अंदर। इसने हिंदी साहित्य का कितना नुकसान किया, और प्रादेशिक भाषाओं का तो नुकसान किया ही किया, खड़ी बोली हिंदी का कितना नुकसान किया, आप इसका आंकलन कैसे करते हैं? इस सवाल को क्या कहते हैं मृत्युंजय भैया के पास? हाँ हाँ दोनों दोनों इस पे ये भी बात करेंगे दोनों। हाँ। लोग सर आप बताइए पहले। नहीं नहीं आप नहीं, मैं इसको बतौर इतिहासकार देखता हूँ, नुकसान और फायदा दोनों एक ऐतिहासिक प्रक्रिया की उपज है, वैसे ही जैसे कि राष्ट्र का बनना और साथ साथ राष्ट्र का टूटना दोनों एक ही। हमारे गुरुजी ज्ञान पांडे हुए, कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनलिज्म कॉलोनियल नॉर्थ इंडिया किताब लिखी उन्होंने, उसमें उनकी सीख यही थी कि आप जिसको कम्युनलिज्म कहते हैं और आप जिसको नेशनलिज्म कहते हैं, दोनों दरअसल एक ही चीज़ें भी मानी गई हैं अलग अलग समय पे। एक ही चीज़ बाद में नेशनलिज्म हो जाती है, एक ही चीज़ वही कम्युनलिज्म हो जाती है ना। आप अगर पाकिस्तान साइड में हैं तो कम्युनल साइड हो गया आपके लिए, उनके लिए वो नेशनलिस्ट साइड है और वाइस वर्सा, है ना। तो ये चीज जो बेनेडिक्ट एंडरसन इतने मशहूर इतिहासकार हुए हैं राष्ट्र के, उन्होंने वही कहा ना कि देखिए जब तक सेंसस नहीं होता, जब तक मैप्स नहीं होते, जब तक म्यूजियम नहीं होते, तो ये संकल्पना जो है राष्ट्र की या उपन्यास नहीं होता, उदाहरण के तौर तो प्रिंट नहीं होता, तो ये संकल्पना राष्ट्र की संभव ही नहीं होती। तो निर्मिति में ही विनिर्मिति का इतिहास भी शामिल है। आप मजबूत तो बना रहे हैं अपने आप को, कई टुकड़ों को, क्षेत्रीय टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ा टुकड़ा आप बना रहे हैं, और जैसे ही चाचा जिंदाबाद फिल्म में उसको दिखाया बड़े अच्छे से, जैसे ही वो मैप पूरा होता है आपका, पता चलता कि दोनों साइड में एक विभाजन भी हो गया साथ में, ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ। तो ये प्रक्रिया साथ साथ चली है, मुझे लगता है फायदा का इतिहास नुकसान का इतिहास साथ साथ मुझे देखने की ज़रूरत है, और उसमें संघर्ष दिलचस्प है कि क्या जनवादीकरण कभी कंप्लीट हो जाएगा जो हम सोच रहे हैं, क्या वो यूटोपिया नहीं है, या ये संघर्ष हमेशा चलता ही रहेगा, उसके रूप बदलते चले जाएंगे, कम से कम इतिहास तो यही गवाही देता है। जैसे लोकतंत्रीकरण है, एक समय में आप केवल लोकतांत्रिक नहीं हो सकते, आप लगातार लोकतांत्रिक होते रहेंगे, रोज लोकतांत्रिक होंगे तभी आप लोकतंत्र के अंदर, ऐसा नहीं है कि आपने अडॉप्ट कर लिया तो आप, और लोकतंत्र सिर्फ सड़क की और संसद की बात नहीं है, लोकतंत्र किचन की भी बात है ना, बेडरूम की भी बात है, जैसे पब्लिक स्फीयर हम कहते हैं कि उसमें सब कुछ शामिल होना चाहिए। देखिए भाषा वाले सिलसिले से कुछ बातें हैं, मैंने उलट के भी जो आप उदाहरण दे रहे थे बहुत सुंदर है, वो मीर का या गालिब का, उलट के हम शमशेर का उदाहरण लेते हैं। आज फिर देर गए काम से घर लौटा हूँ, मेरे हिस्से की ताक पर ही धरी है शायद, दिल को लगती है तेरी बात खरी है शायद, यही शमशेर मुजफ्फर नगरी है शायद, ये किस जुबान का है। सो अच्छा
लेकिन जबान दराजियां खुदी की रह गई तेरी नजर, क्या था भूल, जबान दराजियां खुदी की रह गई तेरी नजर थी जो कहना था कह गई, इस तरह का कुछ एक और पंक्ति। गाने तो पता नहीं कितने कोट कर सकते हैं हम लोग, गाने तो ऐसे हजारों लाखों हैं जिनमें ये आवाज आई है। प्लस दोनों जो संस्कृताइज जुबान है और जो पर्शियनाइज जुबान है, ये दोनों सिरे भी हैं। मुझे लगता है कि इस पूरे घेरे को मिला के एक जुबान बनी थी जिसमें शतशील संवरण शील नील नभ गर्जित स्वर भी था और ये भी था कि मुद्दा अंका है अपना आलम तकरीर का। तो ये दो छोर थे और उसके बीच में फिर दो छोर थे और ये मिला के कुछ एक चीज बन रहा था, एक पब्लिक स्फीयर बन रहा था जिसके टूटने की कहानी हम सब जानते हैं, कैसे टूटा ये हम जानते हैं, लेकिन वो चीज अभी भी वो टूटना टूटा भी और नहीं भी टूट पाया, नहीं भी टूटा, कॉन्टिन्यूस है वो हमेशा। जो मैं कह रहा था आमिर मुफ्ती की किताब के सहारे से कि वो एक अपूर्ण होने का बोध, क्योंकि हम पूरे तभी होंगे जब ये पूरा दायरा जिसकी बात कर रहा था वो हमारे पास हो, वो दायरा हमारे पास नहीं है तो हम अधूरे हैं, हमारी जुबान अधूरी है। किसी भी कवि को मैं लगभग दावे के साथ, मुझे लगता है मैं अपनी अगर कविता परंपरा पे दावा करूं तो, कि हमारे किसी भी उर्दू हिंदी के शायर या कवि को कभी अपनी भाषा पूरी नहीं पड़ती, बहुत मुश्किल होती है। जिस भाषा का इतना धनी समृद्ध इतिहास रहा हो, जिसमें इतना बड़ा, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे कि इधर संस्कृताइज्ड हिंदी है उधर पर्शियनाइज्ड हिंदी है, बीच में बहुत सारी बोलियां हैं, इस पूरे इतने बड़े चीज से जब आपको आप खुद को तोड़ते चले जाएंगे तो कविता लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कविता के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि शब्दों में अर्थ का इतिहास होना चाहिए। कोई बिंब कैसे बनेगा, हमको ये चीज कहते हैं फूल कहते हैं। अब ये फूल हजारों कविताओं में हजार तरीके से आया है, हजार जीवन अनुभवों में आया है, जब इस शब्द में उस अर्थ का इतिहास होगा तभी हम अच्छी कविता लिख सकते हैं, अन्यथा बहुत मुश्किल है कविता के लिए। तो इसलिए ये एक अधूरापन हमने मैंने वहां भी बहुत अच्छे से नोटिस किया इसका। देखिए और कुछ छोड़ दीजिए, तुलसीदास को भी पकड़ेंगे आप तो वहां गरीब निवाज शब्द मिलता है, रुख शब्द मिलता है, मतलब इतना शानदार आवाज आई तो तुलसीदास में, जिस जो आपका आज राष्ट्रीय कवि घोषित होने लायक सबसे अच्छा कवि है, तो जब उसके अंदर इतनी आवाजाही है तो फिर ये बाद में के जो टूटा तो शायद वो औपनिवेशिक मानसिकता थी जो चाहते थे कि ये न मिले, अधूरापन बरकरार रहे, लेकिन ये अच्छी बात है कि आपने उसमें भी सकारात्मक। एक और मैं बात कह रहा हूँ कि देखिए धर्म, एक दिलचस्प सवाल मैं कोशिश कर रहा हूँ उस पर काम करने की मध्यकाल के इलाके से, जो जिस तरह से धर्म हम समझते हैं और आधुनिकता भी, ये जो आधुनिकता है जो धर्म का नया हुआ रूप है, ये कुछ अलग चीज थी हमारे यहाँ। मसलन मैं ज्यादा उसमें अभी तो काम होगा आएगा तो देखेंगे, लेकिन खिलेगा तो देखेंगे, लेकिन जैसे मध्यकालीन कवियों के यहाँ बहुत आराम से आप अपने देवताओं से कवि को मजाक करते हुए पाएंगे, बहुत शानदार तरीके से उनसे प्यार करते हुए पाएंगे, उनसे झगड़ा करते हुए पाएंगे, उनको धक्का मारते हुए पाएंगे। 30 के दशक की निराला की किताब है बिल्लेसुर, बिल्लेसुर बकरिया, तब तक वो चीज थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं बची हुई है। बिल्लेसुर हनुमान जी की मूर्ति है, बकरी चराते हैं, ब्राह्मण है, बकरी चराते हैं और बिल्लेसुर जाते हैं मूर्ति के पास, कुछ काम से जाते हैं, हनुमान जी को कहते हैं कि बकरी देखते रहिएगा, बकरी गायब हो जाती है। दो बिल्लेसुर उठाते हैं डंडा और मारते हैं हनुमान जी को, कहते हैं दिमाग खराब है, मतलब मेरी बकरी नहीं रखा पाए तो क्या कर रहे थे। तो अपने देवताओं से ये जो संबंध था उसको हमने इस आधुनिक दुनिया में घुसते घुसते बदला और उसको मोबिलाइजेशन की, खास करके वोट मोबिलाइजेशन की, पावर मोबिलाइजेशन की एक स्ट्रेटजी में बदल दिया। आज तो हम बहुत साफ देख रहे हैं उसको कि वो उसको पूरी तरह से रिड्यूस कर दिया, एक उसके एक ही पहलू को बहुत ज्यादा उभार दिया। तो ये एक और बात है जो जिसकी तरफ मैं थोड़ा इशारा करना चाहता हूं। हनुमान बाबू का अंतिम छंद है जिसमें वो कहते हैं, कही हनुमान सो सुजान राम राय सो कृपा निदान शंकर सो सावधान सुनिए, हरच विषाद राग रोष गुण दोष में ही विरच विरंच सब देखिए तदुनी। अब अंतिम पंक्ति देखिए, माया
माया जीव काल के कर्म के कपाल के करैया राम कहे साची मन गुनी तुम ते कहा ना होई हा हा सो बुझया हूं हूं रही मौन ही बयो सो जानी लुनी तुमसे नहीं होता छोड़ दो चुप हो जाऊंगा तुमसे नहीं कहूंगा। इससे अच्छा कटाक्ष कोई क्या करे। ये हनुमान से कह रहे हैं अंतिम छंद है ये उस हनुमान तो बाहुबली में तो सबको शिव को सब राम से सब लास्ट में कहते हैं कि बयो से जानी लुनी जो मैंने बोया तो वो मैं काट रहा हूँ तुमसे नहीं हो पाएगा कोई बात नहीं मैं करूंगा। उलाहने का उलाहना कितनी अच्छी उलाहना है देखिए आपने अपने आराध्य को उलाहना दे रहे हैं। तो ये हम सच में 19वीं शताब्दी के बाद हम धर्म को इस तरह से ट्रीट करते नहीं देख पा रहे। राजनीतिक गोलबंदी का वो वही चीज होती है जो भाषा के साथ पहले होता है लिपि के साथ पहले होता है वही धर्म के साथ भी साथ साथ हो ही रहा है क्योंकि संस्कृति का एक अंग वो भी है और वो चीज वो धारा जिंदा है अभी तो, हर जगह पे जिंदा है पूरे दक्षिण एशिया में जिंदा है और यहाँ से बाहर भी जिंदा है। तो चलिए इसी उस पर समाहार करते हैं। आप सब के प्रति मैं आभारी हूँ। मैं विभाग की ओर से आप सबको धन्यवाद देता हूँ। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद।